वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपसे एक प्रश्न। भगवान श्री कृष्ण के पिता नंद बाबा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अंग्रेजी शब्द सही है? एडॉप्टिव फादर, स्टेप फादर, फॉस्टर फादर और बायोलॉजिकल फादर। इनमें से सही उत्तर चुनना है आपको। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर यदि आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, नहीं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो को देखने बाद आप इस प्रश्न का उत्तर जरूर दे पाएंगे। जी हाँ, इस वीडियो में हम पता करने वाले हैं कि पालने वाले पिता को, जन्म देने वाले पिता को और सोतेले पिता को, उसके अलावा गोद लेने वाले पिता, इसी प्रकार माता को भी क्या कहा जाता है अंग्रेजी में, उनकी स्पेलिंग, उनका मीनिंग, और उसके अलावा माता और पिता को अंग्रेजी में फादर और मदर के अलावा किन किन शब्दों से पुकारा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे दिए बेल आइकन को दबा दीजिए और ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिए। चलिए जानते हैं पिता यानी फादर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। डैड, डैडी, पॉप, पोपा और पॉपी, ये तो सब जो हैं अधिकतर अभी प्रचलित हुए हैं, लेकिन इनके अलावा डिक्शनरी से ऐसे कौन कौन से वर्ड हैं जो पिता के लिए यूज किए जाते हैं। चलिए सबसे पहला पैट्रियार्क, पैट्रियार्क का मतलब ही पिता होता है। सेकेंड पेटा फैमिलियास, पेटा फैमिलियास। थर्ड ओल्ड मैन, फोर्थ ओल्ड बॉय। ये ओल्ड मैन और ओल्ड बॉय जो वर्ड है ये अधिकतर नॉवेल्स, बुक्स आदि में यूज किए जाते हैं। जैसे वहाँ पर लिखा हुआ होता है, ओल्ड मैन केम इनटू द रूम व्हेन हरी वाज स्लीपिंग, हरी जब सो रहा था तब उसके पिता कमरे में आए, तो यहाँ पर ओल्ड मैन जो है वो पिता को कहा जाता है। उसी प्रकार ओल्ड बॉय भी कहा जाता है। अब हम जानते हैं कि पिता को रिश्ते के आधार पर और क्या क्या कहा जाता है। जैसे चार प्रकार के पिता होते हैं जिनकी हम अंग्रेजी जानते हैं। रिश्ते के आधार पर चार प्रकार के पिता कौन से हैं? सबसे पहले जन्म देने वाला पिता यानी फादर, या यह भी कहा जा सकता है बायोलॉजिकल फादर। यदि कहीं पर यह कहना होता है कि यह असली पिता है तो आप कह सकते हैं बायोलॉजिकल फादर। नेक्स्ट पालने वाला पिता, कहीं ऐसे व्यक्ति होते हैं जो किसी और की संतान को अपना नाम देते हैं, जैसे छोटा भाई या बड़ा भाई, किसी की डेथ हो जाती है तो उसके बाद उसके भाई की जिम्मेदारी हो जाती है उसके संतान को पालना, तो वहाँ पर आप कह सकते हैं फोस्टर फादर। फोस्टर फादर यानी वह पिता जो उस बच्चे को पाल रहा है। नेक्स्ट टाइप है सोतेला पिता या सोतेले पिता। सोतेले पिता को अंग्रेजी में कहते हैं स्टेप फादर। नेक्स्ट दत्तक पिता यानी वे पिता जिन्होंने उस संतान को गोद लिया है, दत्तक पिता यानी एडॉप्टिव फादर। चलिए अब इस वीडियो में जानते हैं कि मदर को यानी माता या माँ को अंग्रेजी में और किन किन शब्दों से जाना जाता है। तो सबसे पहले मैट्रियर्क, जिस प्रकार से पिता को पैट्रियर्क कहा जाता है उसी प्रकार माता को मैट्रियर्क कहा जाता है। नेक्स्ट मैटर फैमिलियास, मैटर फैमिलियास। नेक्स्ट ममा, मम्मी, मॉम, मॉमसी। चलिए अब जानते हैं इसके अलावा माँ को अलग अलग रिश्तों में क्या कहा जाता है। जी हाँ, जन्म देने वाली माँ, सोतेली माँ, गोद लेने वाली माँ और किराए की कोख वाली माँ, उसके अलावा पालने वाली माँ। चलिए अब जानते हैं माँ के प्रकार के बारे में और उनको अंग्रेजी में क्या कहते हैं। चलिए रिश्ते के आधार पर माँ कितने प्रकार की होती है और उनके क्या क्या अंग्रेजी नाम हैं। तो चलिए सबसे पहले जन्म देने वाली माँ, मदर या बायोलॉजिकल मदर। बायोलॉजिकल इसलिए क्योंकि उसका उसकी संतान से डीएनए मैच होगा। नेक्स्ट सोतेली माँ, स्टेप मदर। दत्तक माँ या गोद लेने वाली माँ, एडॉप्टिव मदर। नेक्स्ट जिस माता ने किराए की कोख में जन्म दिया है उसे कहा जाता है सरोगेट मदर, सरोगेट मदर, सरोगेट मदर। सरोगेट मदर का मतलब होता है कि वह माता जिसने अपनी कोख में बच्चे को जन्म देकर उसे दूसरी औरत को सुपुर्द कर दिया है, उसे कहा जाता है सरोगेट मदर। यह ऐसी जगह काम आता है जहाँ जो औरतें माँ नहीं बन पाती वो किसी और औरत की कोख को किराए पर लेकर उसमें अपने बच्चे को जन्म दिलवाती है, तो जिसकी कोख में वह बच्चा होगा उसे कहा जाएगा सरोगेट मदर, सरोगेट मदर। नेक्स्ट है वह माँ जो आपको पालती है, जी हाँ, जिसे दाई माँ, धात्री या पालक माता भी कहा जाता है, तो पालने वाली माँ को कहा जाता है फॉस्टर मदर, फॉस्टर मदर।
चलिए, कैसा लगा यह वीडियो? आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि इस वीडियो में आपको बहुत से नए वर्ड मिले हैं तो जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और देखते रहिए इस चैनल को। चलिए मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।